आज शुक्रवार की रात को प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में यह कार्य करने ही चाहिए, जिससे कि गरीबी कोसा दूर रहे और जीवन हमेशा सुखमय रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते होंगे शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से भी संबंध रखता है। शुक्र ग्रह जो है राजसी ठाट बाट, अर्थात देखा होगा आपने कई घरों में कम पैसा होता है, सुख समृद्धि और बड़े आराम से जीवन गुजर जाता है। परंतु किसी घर में पैसा इत्यादि होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में व्यक्ति परेशान रहता है। साथ ही पैसा अनावश्यक जैसे वाहन, रोड दुर्घटना या दवाई इत्यादि में खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्रवार के दिन इन सरलतम कार्यों को करना चाहिए, जीवन बहुत अच्छा जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि शुक्रवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को शाम के समय पर घर पर जो है भगवान शिव हो, माँ लक्ष्मी हो या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं ना, शुक्रवार के दिन दूध और चावल की खीर जरूर बनानी चाहिए। शुक्रवार के दिन यह सारी चीजें शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं। किसी कुंवारी कन्या या सुहागिन कन्या को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन के रूप में अर्थात दान के रूप में, वैभव लक्ष्मी व्रत में भी आपने देखा होगा खीर का दान किया जाता है। शाम को भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को इन चीजों का भोग लगाने के बाद आप सभी को उन्हें थोड़ा सा ही मात्रा से ही खीर के रूप में खिलाने से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहला कार्य आप सभी को यह करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन भगवान शिव पर अपनी मनौती बोलते हुए 108 चावल के दाने या सफेद फूल अगर समर्पित करते हैं ना, तो इससे शुक्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और साथ ही मनौती के योग बनते हैं। मनोकामना जो पूर्ति के योग होते हैं ना, वह तुरंत बनने आरंभ हो जाते हैं। तो आप सभी को यह सरलतम कार्य भी जरूर से करना चाहिए। शुक्रवार के दिन महादेव के ऊपर 108 चावल जो है वह पूर्ण होने चाहिए। आप सभी जानते होंगे उन्हें एक एक करके समर्पित करने से भी मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। सफेद फूल भी अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। इसके साथ ही गुरु जी का एक उपाय जो शुक्रवार के दिन सभी को करना चाहिए, वह है बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का। बेलपत्री वृक्ष आसपास नहीं है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए, वह भी लंबी बत्ती का और घी का दीपक लगाया जाता है ना, तो सबसे उत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। तो आज शाम के समय यह सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य आप सभी को करना ही है। साथ ही आज शुक्रवार के दिन सभी जनों को आवश्यक रूप से माँ लक्ष्मी के नाम का अगर जाप करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं कर सके तो श्रीहरि विष्णु का प्रिय मंत्र। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, तो आप सभी को जो है उनका स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए, काफी इससे लाभ प्राप्त होता है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप सभी जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का एक उपाय है, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है ना, तो आप सभी लड्डू गोपाल हो या श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा फोटो हो उनके आगे यह उपाय करते हैं, तो आपके कर्ज, धन संपदा, जो भी जीवन में पैसा नहीं रुकता, वह सारी समस्याओं का अंत होते हुए काम बनते चले जाएंगे। आप सभी को दूध और पानी को मिक्स कर लेना है, कटोरी में रख लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ी सी दूर्वा रखनी है, ठीक है, रख ली। लड्डू गोपाल की स्वरूप की प्रतिमा फोटो को स्थापित कर लेना है, उनके पैरों में जल के छींटे डालते हुए 108 नाम ले लीजिए और जल के छींटे डालते हुए आप सभी को उनके चरणों में माँ लक्ष्मी के 108 नाम बोलने हैं और दूध और जल का छींटन डालना है। 108 माँ लक्ष्मी के नाम गूगल की मदद से या सामान्य किताब इत्यादि में भी मिल जाते हैं, तो आप सभी को यह कार्य करना है। उससे पहले आप सभी, जैसा मैंने पहले ही बताया, खीर का भोग या सामान्य चावल का भोग भी माँ लक्ष्मी को लगाएं। गुरु जी तो कहते हैं केसर युक्त चावल का भोग लगाएं, परंतु हर घर में केसर युक्त चावल नहीं होता, तो थोड़ा सा उसे पीला कर लीजिए, हल्दी थोड़ी मिला लीजिए और उसे जो है भगवान को भोग लगाते हुए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हुए यह उपाय करें और झोली पसार कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कष्ट बने हुए हैं, रोग है, कहीं ना कहीं परेशान हूँ, यह भाव करते हुए आप सभी को यह दीपक लगाने ही है। यकीन मानिए आपके जीवन के जो अटके कार्य हैं वह बनते चले जाएंगे और मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, उपयोगी रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे राधे।